दोस्तों फाइनली फाइनली ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए शाओमी रेडमी का ऑफर अमेज़न पर रिवील हो गया है और इधर आपको अंडर 6000 से लेकर अंडर 50000 तक हर एक फोन पर आपको बहुत सारा ऑफर, बहुत सारा डिस्काउंट, बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑफर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, कौन सा फोन बिल्कुल लेना नहीं चाहिए और कौन कौन सा फोन पर आपको क्या क्या ऑफर देखने के लिए मिल रहा है, सब कुछ इस वीडियो के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एक लाइक देकर स्टार्ट कीजिए, अंत तक देखिए और आगे जाकर बहुत कुछ ऑफर का वीडियो सबसे पहले इस चैनल पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट होने वाला है 23 सितंबर से और आपके पास प्राइम मेंबरशिप हो तो 22 सितंबर से आपको एक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा और आपके पास होना ही चाहिए SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके पास नहीं हो तो फ्रेंड के पास हो सकता है, उधर से आप जुगाड़ कर लीजिए। और इधर जो फर्स्ट डील है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11 में और आपको इधर जो प्राइस देखने के लिए मिल रहा है अंडर 11000 में 10799 पर आपको Redmi Note 11 देखने के लिए मिल जाएगा और इस फोन के साथ आपको सुपर AMOLED पैनल मिलता है, 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5000 mAh का आपको बैटरी मिलेगा और इसका जो प्रोसेसर है 4G वाला प्रोसेसर है बट Snapdragon का प्रोसेसर है 680 वाला प्रोसेसर। 11000 के अंदर आपको ये वाला फोन देखने के लिए मिल जाएगा, डिसेंट डील है। और जो नेक्स्ट फोन है Redmi का 10 प्राइम है और इसका प्राइस आपको देखने के लिए मिल रहा है 9450 रुपीज और इसके साथ आपको हीलियो G88 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 6000 mAh का बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट इस फोन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस प्राइस जो है 9450 रुपीज है बट इससे 1000 रुपये आपको शायद ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको नोट 11 देखने के लिए मिल जाएगा। आप नोट 11 को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट फोन जो है सुपर डील है बजट रेंज के लिए, एंड्रॉयड का फास्ट यूजर के लिए, स्मार्टफोन फास्ट यूजर के लिए रेडमी की तरफ से A1 इसका प्राइस आपको बैंक डिस्काउंट के साथ देखने के लिए मिलेगा 5850 रुपीज ओनली अंडर 6000 में, वन एंड ओनली रेडमी का डिवाइस और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है और आपको इधर एंड्रॉयड 12 का गो एडिशन मिलेगा, मतलब फोन बिल्कुल फास्ट रहेगा, आगे जाकर स्लो भी नहीं होगा और अपडेट भी ठीक ठाक आएगा, सिक्योरिटी वाला अपडेट। और इधर आपको 5000 mAh का बैटरी भी देखने के लिए देखने मिलता है और इसका लुक भी बहुत बढ़िया है, प्राइस है ओनली 5850 रुपीज। नेक्स्ट फोन है रेडमी की तरफ से रेडमी 10A, इसका प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा 7469 रुपीज और इसके साथ आपको हीलियो का प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीडियाटेक G25 वाला प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5000 mAh का बैटरी मिलेगा। बट इस फोन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट फोन है रेडमी की तरफ से आपको रेडमी 11 Prime 5G और इस फोन के साथ आपको जो प्राइस देखने के लिए मिल रहा है 11749 रुपीज ऑफर के साथ और इसके साथ आपको डिस्प्ले मिलेगा फुल HD 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले और 5000 mAh का बैटरी और इधर जो प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहा है वो 5G वाला प्रोसेसर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी का 700 प्रोसेसर, 5G का सपोर्ट, आपको 11749 रुपीज अंडर 12000 में डिसेंट टाइप का प्रोसेसर के साथ, मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है, उतना भी डिसेंट टाइप का प्रोसेसर नहीं है, गेम भी अच्छा प्ले कर पाओगे बट इसका प्राइस जो है अंडर 12000 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट फोन है रेडमी का नोट सीरीज में रेडमी नोट 11 Pro 5G, इस फोन के साथ आपको जो प्राइस देखने के लिए मिल रहा है 16999 रुपीज, मतलब 17000 रुपीज आपको सुपर AMOLED 120 Hz का आपको रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, 108 MP का आपको बैक कैमरा, 67W का आपको चार्जर इनबॉक्स बट Snapdragon का जो 695 वाला प्रोसेसर है इसमें आपको 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, 5G वाला प्रोसेसर है और इस फोन को भी आप कंसीडर कर सकते हो बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस फोन से कम कीमत पर आपको ये वाला प्रोसेसर के साथ इस वाला स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट फोन जो है Redmi की तरफ से Redmi K50i 5G, एक किलर प्राइस भी आ रहा है, इसका इफेक्टिव प्राइस आपको बैंक डिस्काउंट के साथ मिलेगा 19999 रुपीज और इसके साथ आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर मिलता है 8100 और इसके साथ आपको फुल HD वाला आपको डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाएगा और इसके साथ आपको 144 Hz का आपको रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलेगा और इसके साथ आपको Dolby Vision का भी सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अंडर 20000 में किलर डील है, इस फोन के साथ आप जा सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट फोन है परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग के लिए और इसका जो कैमरा का क्वालिटी है वो भी डिसेंट टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाएगा बट सुपर AMOLED का आपको डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फोन है Redmi का एक्टिव और इसका प्राइस अभी तक Amazon रिवील नहीं किया है और इसका प्राइस भी आपको शायद 6200, 6300 और
5,999 रुपीज पर भी आ सकता है, आपको कल इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। फ्लैगशिप रेट पर Xiaomi का जो प्रोडक्ट है वो है Xiaomi 12 Pro 5G और इसका इफेक्टिव प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा 45,749 रुपीज, अंडर 50,000 में आपको देखने के लिए मिलता है। 50 megapixel का ट्रिपल फ्लैगशिप कैमरा है और इसका इधर आपको स्नैपड्रैगन का 8th generation प्रोसेसर, 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट, 2K AMOLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। Xiaomi का फ्लैगशिप फोन है Xiaomi 12 Pro 5G, फोन को आप ले सकते हो, किलर डील पर आ रहा है। Xiaomi का नेक्स्ट जो फ्लैगशिप है वो है Xiaomi 11T Pro 5G और इसका इफेक्टिव प्राइस आपको देखने के लिए मिल रहा है अंडर 30,000 में आपको देखने के लिए मिल रहा है 28,999 रुपीज और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर, आपको 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलेगा, 120Hz का आपको 10 bit कलर गैमेट देखने के लिए मिलेगा और ऑब्वियसली 1 AMOLED वाला डिस्प्ले मिलेगा, 120W का आपको इधर जो वाटेज है चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा डील है, इस फोन के साथ भी आप जा सकते हो, बट जो फोन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसका प्राइस उतना खास नहीं है, ये है Xiaomi का 11 Lite Any 5G, एक बेस्ट फोन है 120,000 में बट इसका प्राइस है ओनली 19,749 रुपीज़ और इस फोन के साथ आपको स्नैपड्रैगन का 778G का जो 5G प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिलता है, 10 bit का आपको इधर AMOLED वाला पैनल देखने के लिए मिलता है, 64MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। बट दोस्तों इस फोन का जो प्राइस आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है 19,749 रुपीज, बट इससे पहले जो सेल आया था उसमें ये वाला फोन बिक रहा था 18,000 रुपीज पर, बट इस फोन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस फोन का प्राइस हमको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 1,000 to 1,500 रुपीज ज्यादा इधर लग रहा है। दोस्तों इधर Xiaomi Redmi का ऑल ऑफर में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, सब कुछ मैंने बोल दिया। आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोच रहे हो, कौन सा फोन आप Redmi Xiaomi की तरफ से खरीदने वाले हो, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, बेस्ट बाइंग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उधर से आप परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए कीजिए, बहुत जल्दी आने वाला हूं।